हाय, वेलकम टू आरके फोटो मैजिक ट्रिक्स। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही विख्यात न्यूज एजेंसी के असिस्टेंट एडिटर मिस्टर ज्ञानेंद्र, और ये स्पेशलाइज करते हैं जो भी बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं उनका इंटरव्यू, बीट प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, बीट एम्बेसडर, बीट बिग सीईओज ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ये उन सबका इंटरव्यू ले चुके हैं। द रीजन वी हैव इन्वाइटेड हिम हियर टू हेल्प अस विद पावर पॉइंट इज बिकॉज इनके आपके पास काफी लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं और वो आंसर्स देते हैं। जी बिल्कुल, वही रूल्स जो इंटरव्यू लेने का हुआ या जब आप बातचीत करते हैं टॉप पर्सनलिटीज के से, तो उनके पास समय लिमिटेड होता है। किन्होंने आपको दिया कि ठीक है आपको 20 मिनट में ख़त्म करनी है बात, ठीक है, तो अब उसमें आपका ध्येय जो होता है कि जो मैक्सिमम आप जो उनसे ले सकें। अगर आप सिमिलरली देखें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपका क्या करना है, आपको दिया गया कि ठीक है 10 मिनट में आपकी बात कहनी है अपनी बात, बिल्कुल सही है। अब 10 मिनट में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको सारी चीज नहीं कहनी है, 10 मिनट में आपको खुद से बोलना है और कुछ बिंदु उस पे आपको रखने हैं, पावर पॉइंट दिखाने भी है, आपको दिखाना है, बिल्कुल सही। तो अब इसमें जब आप स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए, बिल्कुल सही। जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि स्टार्टिंग में हम इस तरह से स्टार्ट करें कि ऑडियंस हमारे तरफ इंटरेस्टेड हो, जो हम कहने जा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग हो, उसके बाद बीच में भी है सर, लेकिन स्टार्टिंग और एंड भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिकॉज वो एंड जो आप करेंगे वही ऑडियंस फिर रिमेंबर करते हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वहां आपको बोला गया है प्रेजेंटेशन देने और लोग डिस्ट्रैक्टेड हो, ऐसा नहीं। तो जब आप जिस तरह के ऑडियंस से बात कर रहे हैं टॉपिक उसी तरह से रखें जो कि ऑडियंस को इंटरेस्ट का हो, ठीक है, ठीक है, ठीक। उनको इंटरेस्ट करे, और जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, व्हेन यू यूज द वर्ड्स इट शुड बी सिंपल वर्ड्स, okay, and it should be easily understandable to the people. Okay, what he means to say is कि अगर आप एक slide बनाते हैं तो slide के अंदर है ना बहुत ज़्यादा bullets ना डालें, bullet नहीं डालें, क्योंकि एक 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 slide में कुछ कहो, फिर दूसरी बात कहो, फिर तीसरी बात कहो, जरा और मैं एक बताऊँगा, एक एक slide जब आप बनाते हैं तो उसमें I would suggest कि 6x7 का rule, एक स्लाइड में आपको 6 से ज्यादा लाइन नहीं रखनी है, और प्रत्येक लाइन जो एक आप रखते हो उसमें 7 से ज्यादा वर्ड यूज नहीं करें, जस्ट ट्राई टू यूज बुलेट पॉइंट्स, अवॉइड सेंटेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंसेस, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और, ये जो बता रहे 6x7 का रूल, ये देखने लायक चीज है, और जैसे हम कह रहे हैं कि हम The पावर पॉइंट इज द प्रेजेंटेशन, बट इवन यू आर द प्रेजेंटेशन, कभी भी आप प्रेजेंटेशन करते तो आप ऑडियंस से कनेक्टेड रहते हैं, तो कभी भी अपनी बैक नहीं मोड़िएगा, बैक मोड़ना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। सेकेंडली आपको कलर कॉम्बिनेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप जैसे आप जब शुरू में करते हैं प्रेजेंटेशन तो यू टेंड टू यूज सो मेनी कलर्स, बहुत सारे कलर आप यूज करना, सो कलर का ये ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंट रखें, जब आप ठीक मतलब वो अनप्रोफेशनल लगता है बहुत सारे, और कलर का कंट्रास्ट होना चाहिए, कलर जो आप यूज कर रहे हैं जो बैकग्राउंड है, अगर इफ यू आर यूजिंग से वाइट बैकग्राउंड तो यूज ब्लैक और ब्लू कलर्स, और इफ यू आर यूज सो कंट्रास्ट होना चाहिए, जो काफी प्रीसेट भी आते हैं पावर पॉइंट में, तो दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड कलर्स, व्हाट इट मींस टू से, और फॉन्ट साइज भी होता है टाइटल का, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में जब आप एक यूज कर रहे हैं सेंटेंस जो फॉन्ट साइज होता है दैट वो इंपॉर्टेंस दिखलाता है, आप किसी चीज को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो उसको बड़ा फॉन्ट साइज रखें, अगर आपको उससे कम इंपॉर्टेंस का लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज डालना जरूरी है तो उसको छोटे फॉन्ट साइज में रखें, मतलब देखिए मतलब टाइटल होना चाहिए 24 से 26 तो आप इसको रखें 18। आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने एक बता दिया कि ठीक है ये पॉइंट है, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अब यू डू द टॉकिंग, आप एक्सप्लेन करो ऑडियंस को, ठीक है, ये चीज है, ये हम कहना चाह रहे हैं। हाँ। तो आपका जो फोकस होना चाहिए कि ऑडियंस आपको देखे, आपको सुने, जब आप बोल रहे हैं ठीक है एक नजर मैंने डाला स्लाइड पे और उसके बाद आपको भी सुने, तो इस तरह से आप रखें और दोनों को कॉम्प्लीमेंट करें,
जो आप बोल रहे हैं जो स्लाइड पे है दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्पेल चेक करना बहुत ही जरूरी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में। जी बिल्कुल, स्पेल चेक देखिए, अगर आपका एक भी शब्द का अगर स्पेलिंग गलत है तो ये काफ़ी एम्बेरेसिंग होता है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, ऑडियंस काफ़ी लोग होते हैं और उसमें इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, और उसमें अगर आपको स्पेलिंग चेक हो तो आप स्पेल चेक अभी सॉफ्टवेयर में है आप यूज करें। और मैं सजेस्ट करूंगा कि कई स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेल चेक से नहीं पकड़ाते हैं, तो आप कोई अपने साथी को दिखलाएं कि प्रूफ रीड कर लो, प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और ध्यान रखें कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड जो कि स्पेल चेक से नहीं पकड़ाएंगे। सो जब आप यूज कर रहे हैं से आपने 6/7 का जैसे मैंने रूल बताया तो ऑलमोस्ट 40-42 वर्ड्स यू आर यूजिंग। सो आई वुड सजेस्ट कि डोंट रिपीट एनी वर्ड। ये मैसेज आता है कि आपका क्या पकड़ है भाषा पे। अगर आप ग्राफ यूज कर रहे हैं, यूज करें, कभी चीजों को कहने के लिए ग्राफ आवश्यक होता है, देन यूज द ग्राफ एंड देन एक्सप्लेन इट टू यू योर ऑडियंस। और हमेशा जैसे उन्होंने कहा था इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और मैं अभी आपको बातों बातों में एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पावर पॉइंट दैट व्हेन यू गिव अ प्रेजेंटेशन यू लेट द व्यूअर्स नो अबाउट योर क्रेडेंशियल्स बट वेरी डिस्क्रीटली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट फॉरगेट इट। या इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट ऑल दीज थिंग्स can be so creative things can be done through PowerPoint presentation also. In the country like India, जो English speaking लोग हैं वो तो almost they know it, लेकिन जो bigger market है वहाँ जहाँ की अभी पहुँचने की आवश्यकता है that वो हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड के लोग, इसीलिए हमने हिंदी को इस्तेमाल किया है। और the biggest rule of creativity is के There are no rules for creativity. तो हम करते जाएंगे, करते जाएंगे, जैसे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां बनाया था, भगवान करे कहीं ना कहीं बना ही लेंगे। और क्या, वी थैंक ज्ञानेंद्र जी फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस हिज थॉट्स। So where can you find the preview video and other information about RK and Ashir? Just Google RK Photo Magic Tricks with an X and you will see everything. And for all inquiries and help regarding PowerPoint presentations, please contact Ashir via ashir@gmail.com. That's ARKSHYA@gmail.com and RK via RK Photo Magic Tricks@gmail.com.